श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अश्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु श्री परंपराम। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थम सर्वालंकारयुक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चाग्रजेन भद्रायाः वाम भागे रथचरणयुतम ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यम वेदानां सारमेकं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं भजे हम। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्ति निवेदित स्कंद पुराणर श्री जगन्नाथ कार्यक्रम को आपनको स्वागत। आमे सुनुथिले जे भगवान ब्रह्मा जो पृथ्वी भगवान बराह रूप से जो पृथ्वी को उद्धार करी निज स्थान स्थापित कले एवं भगवान ब्रह्मा प्रथमे जो पृथ्वी निज स्थान न रहिवारु चिंतित थिले तार भय को दूर कले एवं भगवान बराहदेव पृथ्वी को निज स्थान रखी पुनश्च निज परम ज्योतिर्मय निजर परम धाम रे शांत स्वरूप रे विराजमान हो गले। तेणु महाप्रभु होचंती शांत स्वरूप। गोटे जगार झगड़ा लगी जड़े बुझेवा को आसिले हे पार्टी बंद कर कहीं झगड़ा लगे पार्टी बंद कर एमती बुझौ बुझौ सी निजे उत्तेजित हो गले। तेणु तांकु वर्तमान संभालिया को आउ जड़े आवश्यकता पड़ा ता माने सी निजे जी शांत स्वरूप जी अशांत स्वरूप से बुझे पारे सी जड़े शांत स्वरूप ही बुझे पारे। तेणु बाहर जिते कोलाहल थे भी जड़े निजे न रागिकी निजे असंतुष्ट न होकर धीर सुस्थ मनरे बुझेवा को चेष्टा कले ही परिस्थिति नियंत्रण को आसे। तेणु शेष पर्यंत शांत होकर रहा पड़ो आवश्यकता पड़े उग्रता धारण करा पड़ो ना सब शांत। महाप्रभु सब शांत जो जमी आवश्यकता पड़ा सेठी सेमती उग्र स्वरूप धारण करती पुणी शांत हो जाती। तेणु एपरी भाव महाप्रभु शांत हवा कारण आम शांति पाच महाप्रभुंर शांति ही तार अंश स्वरूप आम शांति पाच। तेणु एपरी भाव महाप्रभु जितेबाला विराजमान हो गले वर्तमान पृथ्वी तो निज जगार नाला तेणु सब ता भर जिनस अस्तव्यस्त हो पुणी दानवर कब्जार कौन कर सब निज निज जगार सब सुस्थिर कले कौन सुस्थिर कले बराह रूपिणा पूर्वं समुद्रत्य वसुंधराम सर्वतः सुसमाम कृत्वा पर्वतैः सुस्थिरीकृताम। जहा जोटी थिला सब सुस्थिर कले कौन कौन थिला पर्वत थिला तीर्थ थिला नद नदी थिले एवं सृष्ट्वा चराचरं सर्वं तीर्थानि सरिदब्धिकान क्षेत्राणि च यथास्थानं सन्निवेश्य यथा पुरा। तेणु सबु जिनिष को निज निज स्थान रे रखिले तापरे तंकर चिंता गोटे आरंभ हला। तेणु सबु जिनिष जो निज निज आम साधारण भाव भावुचु जे पृथ्वीटा कोण रे एते छोटिया जगह है कि सबु जिनिष आम घरे जिमिति गोटे भूकंप आसीगला घरटा टिके हल्लीगला सब जिनस एपट सेपट हो जाए कौटा निज स्थान घुंची जाए कौटे किसी गली पड़े किसी गली पड़े किसी उठे थोदे तो सेमती कौन साधारण भाव में हो कथाटा आम शुणा को तो साधारण लगे ब्रह्मा सब सुस्थिरा करदे जो भी जहाँ थी सजाड़ीदे कि कौन ताते परिमाण विस्तृत सेटा भी निश्चित आम जाना आवश्यक कारण आम तो से पृथ्वी रोचुना आम तो से पृथ्वीर अधिवासी। तेणु एपरी भाव एक कथा आम पृथ्वी रे कौन अच्छी से कथा जानापी सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज भी सही प्रश्न पचारुंट हे महाराज कहतु पृथ्वी रे जो आम बास करुचु से पृथ्वी कौपरी ताधर सब कौन कौन अच्छी तहार विस्तार कौन तबे प्रश्न उठ भगवान विषय तो जाना तेल भगवान नाम रूपलीला धाम गुण विषय केवल जाना पुणी भगवान जो सृष्टि तैयारी करते पृथ्वी अच्छी किंबा आउ कौन सी लोक अच्छी
ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଭୂଲୋକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମତଳ ଭୂମି, ଯେ ଆମେ ତ କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ ପୃଥିବୀଟା କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣି ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ବିଚାର କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳସ ପୂଜନ କରାଯାଏ କୌଣସି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ସେତେବେଳେ କଳସକୁ ପୂଜା କରି କଳସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ, ସବୁ ମାତୃ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ନଦନଦୀର ସ୍ୱରୂପ ବି ତା ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ପର୍ବତମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଳସ। ସେ କଳସ ରୂପରେ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ଥାପିତ କରୁ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଉପାସନା ବି ହୁଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କଳସରେ? କଳସସ୍ୟ ମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ର ସମାଶ୍ରିତଃ ମୂଲଂ ତସ୍ୟ ସ୍ଥିତୋ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟେ ମାତୃଗଣାଃ ସ୍ମୃତାଃ କୁକ୍ଷୌ ଚ ସପ୍ତ କୁକ୍ଷୌ ଚ ସାଗରାଃ ସପ୍ତ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପା ଚ ମେଦିନୀ। କଳସର ମୁଖରେ ହେଉଛନ୍ତି କଳସସ୍ୟ ମୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ, କଳସର ମୁଖରେ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତିତଃ କଣ୍ଠେ ରୁଦ୍ର ସମାଶ୍ରିତଃ, ତେଣୁ କଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ରହିଲେ ଏବଂ ମୂଲଂ ତସ୍ୟ ସ୍ଥିତୋ ବ୍ରହ୍ମା ତାହାର ମୂଳ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ରହିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟେ ମାତୃଗଣାଃ ସ୍ମୃତାଃ ମଝିରେ ସମସ୍ତ ଭଗବତୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପମାନେ ମାତୃଗଣମାନେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଉଦର ଭାଗରେ କୁକ୍ଷି ଭାଗରେ କିଏ ରହିଲେ ନା କୁକ୍ଷୌଚ ସାଗରାଃ ସପ୍ତ, ସାତଟା ସମୁଦ୍ର ରହିଲେ। କୁକ୍ଷୌଚ ସାଗରାଃ ସପ୍ତ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପାଚ ମେଦିନୀ, ସାତଟା ଦ୍ୱୀପ ରହିଲେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଇଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ସାତଟା ଦ୍ୱୀପ, ସାତଟା ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଭୂମି ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ, ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ, ଏଇ ଚାରୋଟି ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଚାରିଟା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପୃଥିବୀଟି ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ମେରୁ ପର୍ବତ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେଉଁ ମେରୁ ପର୍ବତ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, ସୁନାରେ ତିଆରି ମେରୁ ପର୍ବତ, ବିଶାଳ ମେରୁ ପର୍ବତ, ମେରୁ ପର୍ବତ ସୁନାରେ ତିଆରି ବିଶାଳ ପର୍ବତ। ତା'ର ଉପରି ଭାଗରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୈଠକୀ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୈଠକକାଳୀନ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ବି ସେଠି ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୈଠକ କରିବାର ଥାଏ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ ସେଠି ଆସି ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ରହିବେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦମାନେ ବି ସବୁ ରହିବେ ନା, ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ ଏ ସମସ୍ତେ ବି ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ଚାରିପଟେ ହିଁ ସବୁ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ, ଆଠଟା ଲୋକପାଳଙ୍କର ଅଷ୍ଟଦିଗରେ ନିବାସସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ହେଉଛି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ମେରୁ ପର୍ବତ, ଏତେ ଉଚ୍ଚ ମେରୁ ପର୍ବତ ରହିଲା, ତା ଚାରିପଟେ ହେଉଛି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ। ଯେଉଁ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଆମେମାନେ ବାସ କରୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ କର୍ମରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ, ପୂଜାପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ତା ଦେହରେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଓଂ ବିଷ୍ଣୋର 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 ଅଦ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧେ ଶ୍ୱେତବାରାହ କଳ୍ପେ ବୈବଶ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତରେ ଅଷ୍ଟବିଂଶତି ଚତୁର୍ଯୁଗେ କଲିୟୁଗେ ପ୍ରଥମ ଚରଣେ ଭରତଖଣ୍ଡେ। ଏ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପେ, ଭାରତବର୍ଷେ ଉତ୍କଳ ଦେଶେ, ତାପରେ ଅମୁକ ଜାଗା ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆର ସଂକଳ୍ପ ସେଇ ଯଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଟା,
प्रत्येक सनातनी जीवन रे प्रत्येक छोट छोट काम देखा पाइबे आमर पूजा पाठ अनुष्ठान एवं सबु विज्ञान सम्मत किसी मनगढ़ा जिनस कि ना काल्पनिक जिनस कि ना एवं आमर इच्छा है करदे से कथा ना एवं परंपरा प्राप्तम सबु जिनस परंपरा क्रम आसी सबु जिनस शास्त्रीय विज्ञान सम्मत तेणु छोटिया संकल्प रु गोटे मात्र संकल्प कई वाक्य के विज्ञान लुचिक रही कल्पना करूँ दर्शक बंधु तेणु मेरु पर्वत रहा चारिपटे जम्बुद्वीप गोल होगा ये जम्बुद्वीप चारिपटे कौन रही घेरिकी लवण जल समुद्र माने आम जो लुणिया खारा समुद्र जो देखु एवं तापर कौन रही से जो लवण जल समुद्र रहा रही प्लक्षद्वीप प्लक्षद्वीप तापटे पुणी सेमती गोल होकर बुलिक रही प्लक्षद्वीप पर कौन बुलिक रही तार जो सीमा आखु रस समुद्र आपण कहे कि अद्भुत कथा सब कहते कि समुद्र तो गोटे बोली शुणुचु किंतु आम शुणिलु जो सतटा समुद्र बोधे से गोटे समुद्र बोधे ये सत भाग विभक्त होतटा समुद्र कह ये कौन कहगला आखु रस गोटे समुद्र अच्छी पीवाई केवल खरा दिन आखु रस मिलू कि आपड़ कौन कहले मानने पा भाया पीवा को भी आखु रस मिलूनी आखु रस गोटे समुद्र ये बाप रे बाप तेणु ये सब सत्य एवं बर्तमान आखु रस समुद्र चारिपटे घेरिक रही केते परिमाणर सब आखु रस समुद्र जी परिमाणर लवण समुद्र से ही परिमाणर एवं ततोधिक परिमाणर ये सब समुद्र आखु रस समुद्र पर सालमली द्वीप अच्छा जम्बुद्वीप कहीं कह गोटे विराट बड़ जामुकोली गछ द्वीप अच्छी तेणु आ ना है जम्बुद्वीप सेमती गोटे प्लक्ष गोटे विराट बड़ प्लक्ष वृक्ष ये से द्वीप अच्छी तेणु ता प्लक्ष द्वीप सेमती सालमली वृक्ष विराजमान ताना हूँ सालमली द्वीप सी सेमती से आखु रस समुद्र चारिपटे घेरिक रही सालमली द्वीप चारिपटे जो द्वीप अच्छी शुणिले आहुटी आश्चर्य लगे मदिरा समुद्र माने मदर समुद्र कि आश्चर्य कथा मदिरा समुद्र घेरिक रही तापर कौन रही कुशद्वीप कुशद्वीप घेरिक रही पुणी तापटे कुशद्वीप को किए घेरी ना घृत समुद्र अर्थात गो विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गोमाता भारतीय वेद लक्षणा गोमाता जो क्षीर रु जो दुग्ध हुए दुग्ध रु जो घृत उत्पन्न हुए घी उत्पन्न हुए से घीमय समुद्र माने घीर समुद्र शुद्ध देशी घीर समुद्र खाली कल्पना करंतु भगवान ये माने सृष्टि एमती स्रष्टा केमी है खाली यही छोट छोट अनुमान नियंतु घीर समुद्र व्यापिकी अच्छी तापर कौन सी पुणी कौन सी भेजाल घी नुह घीर कि मिसीनी संपूर्ण देशी गोमाता घी संपूर्ण वेद लक्षणा गोमाता कौन सी जर्सी गाई नुह कि कौन सी मिश्रित गाई नुह भेजाल घी नुह तापर कौन अच्छी क्रौंचद्वीप क्रौंचद्वीप पर कौन अच्छी ना क्षीर समुद्र ये बाप रे बाप कौन कौन सब शुणा को मिलूँ आमको ये सब ये पृथ्वी अच्छी आज्ञा हाँ ये सब पृथ्वी हिं अच्छी क्षीर समुद्र जो क्षीर को आम जिते चेष्टा कले भी टी अधिका दाम किणवा टिके पा मिसी न थी नहीं जहाँ टिके मिसीबो अल्प हो बहुत हो मिसीबो हाँ ठीक अच्छे भगवान को कृपा से ही दुग्ध भी प्राप्त हो एवं ताकू भी पी कि आम हृष्टपृष्ट थाउ तबे से क्षीरर समुद्र शुद्ध क्षीर वेद लक्षण भारतीय वेद लक्षणा गोमाता पयोधर निश्रुत शुद्ध दुग्ध से दुग्धर क्षीर समुद्र से क्षीर समुद्र पाखे जो सबू थी आमर गच्छलता थिला थरे भगवान कार्तिकेय भगवान स्कंद जहाँ आम जगन्नाथं कथा शुणुचु भगवान स्कंद थरे सेपटे बुलिया को जाइले आम सीना जापरवेनि आमर सामर्थ्य तो ना तो भगवान कौन न करें भगवान स्कंद तो सब आड़े बुली पारे भगवान कार्तिकेय थरे सेपटे बुलिया को जाइले गोटे अस्त्र बाजी से
क्षीर समुद्र उप तटवर्ती जो सब वृक्ष लता थिला से सब खंडिया खंडिया होगला छिंडी छंडी गला परवर्ती समय रे जेहेतु क्षीर समुद्र पाखरे रहुचे आम क्षीर पीकि हृष्टपुष्ट होउचे से पुणी शुद्ध देशी क्षीर विशुद्ध क्षीर से क्षीर बाजी से सब पुणी गच्छलता पुणी ठीक भावरे कोंळी गले तापर वरुणदेव विशेष भावरे तांकर पुणी सिंचन कले तांकर जल सिंचन कले तेणु ये होची से क्षीर समुद्र जो क्षीर समुद्र रे भगवान विष्णु वैकुंठ परमधाम वैकुंठर अभिन्न शाखा श्वेत दीप वैकुंठ को स्थापन करिछंती पृथ्वी रे जेते बेले किछि असंतुलन हब समस्या देखा जीव देवता माने चिंतित हेबे से माने सेई क्षीर समुद्र तट को जिबे सेई थाई भगवान को स्तुति करंती एवं स्तुति करिवा द्वारा भगवान आकाशवाणी माध्यम रे देवता माननकु आश्वासना दियंती एवं भगवान जहाकु चाहिबे से ही सेठिकी पहुंची पारिबे सीधा सळख देवता माने भी सेठी पहुंची पारंती नाही से तटरे ठिया ही स्तुति कले आकाशवाणी माध्यम रे तांकु जणा पड़े से माने भी सीधा सळख क्षीर समुद्र भितर थिबा भगवत धाम रे थिबा भगवान को देखि पारंती नाही तेणु ये होची क्षीर समुद्र सदा क्षीर सागर शयन आहा तेणु एपरी भाव रे जो क्षीर समुद्र तेणु माँ लक्ष्मी होचंती ई क्षीर समुद्र तनया महाप्रभुंकर पत्नी आम मानंकर माता परम पिताकर पत्नी आमर जी परम माता भगवती महालक्ष्मी लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनया श्रीरंग धामेश्वरी दासी समस्त देव भूत वनिता त्रैलोक्य दीपांकुराम तेणु इति भेली महालक्ष्मी भगवती से क्षीर राज समुद्रंकर कन्या तेणु आमर देखिबा जे भगवान जो क्षीर समुद्र रे शयन करचंती तेणु नील सरोरु हश्याम तरुण अरुण बारिज नयन करउ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस रे जो नील सरोर श्याम जहाँ श्रीअंगर कांति हूँ नील वर्ण नील पद्मपरी तरुण अरुण बारिजना जी हूँ सबुबले तरुण अरुण बारिजनयन तंकर नेत्र हूँ पद्मपरी आहा करउ सो मम उर्धाम मोर हृदय से विहार करंतु विराजमान हुंतु सदा क्षीर सागर शयन सबुबले जी क्षीर सागर रे शयन करुचंती अनादि अनंत हरि क्षीर सागर विहारी लक्ष्मी देवी मनोहारी प्रभुपति पावन दया कर दीन बंधु शुभे जाऊ आज दिन दया कर दीन बंधु तेणु भक्त श्री रामकृष्ण कहते अनादि अनंत हरि क्षीर सागर विहारी तेणु क्षीर सागर रे ये एक तो आमर जो महालक्ष्मी भगवती सी प्रकट होती क्षीर क्षीर समुद्र राजतनया क्षीर समुद्र राजतनया सी एवं तेणु जिते बड़े भगवान हरि क्षीर समुद्र रे निजर धाम विस्तार कर सेठी वास करुचंती महापुरुष माने कहंती ये व्यंगात्मक शैली रे हो तत्वात्मक शैली रे भी हो व्यवहारिक शैली रे हो जो प्रकार हो गोटे जिनिष साधारण भाव रे जना पड़े जे भगवान कौटी अच्छा महाप्रभु ना निज श्वशुर घरे ये होंगे माँ का जन्मभूमि माँ का बासस्थान माँ का पिता घर तेणु सेठी सी रोचान माने निज श्वशुर घरे ही रोचान सेमिति भगवान शिव का संबंध भी सही कथा कह जाए जदि भगवान जदिओ जी भगवान अभिन्न शाखा अभिन्न धाम निज नित्य शक्ति द्वारा परिपूर्ण गोटे व्यंगात्मक भावनात्मक शैली ताधेरे भी भक्त मान निजर भावना पोषण करिपारिबे किछि असुविधा नहीं भगवान शंकर मध्य गिरिराज हिमालय उनकर कन्या तो पार्वती पर्वतंकर कन्या बोली तंकर नाउछ पार्वती तेणु पार्वतींकर
पितांकर घर कौटी ना से हिमालय हिमालय ही गोटे अंश कैलास तेणु से कैलास अच्छा अर्थात निज श्वशुर घर ही रोचा तेणु ये विभिन्न प्रकार भाव में भक्त मानकर अधिकार थाए भगवान सहित हास परिहास करने तेणु सबु प्रकार अधिकार भी प्राप्त भगवान सहित संपर्क स्थापित करने को प्रथम भक्ति करने को पड़े। भज धातु तीन प्रत्यय अर्थात प्रेममयी सेवा द्वारा तांकु भल पाइबा भक्ति कले विभिन्न प्रकार अधिकार सब आसीबो ते भगवान को भक्त अभिमान करती भक्त भगवान को गाली भी दियंती केते बले प्रशंसा करती केते बले स्तुति करती केते बले तांको कथा भाविकी आनंदित हुंती केते बले तांको विरह रे कांदंती केते बले तांको कथा भाविकी पागल भली भी आचरण करती तेणु भक्त और भगवान कर ये नित्य संबंध एवं अति सुंदर एवं अद्भुत संबंध। तेणु दर्शक बंधु आमे शुणुचे से क्षीर समुद्र कथा एवं श्रीमद् भागवत कहती ये क्षीर समुद्र रे ही समुद्र मंथन लीला अनुष्ठित होता तेणु क्षीर समुद्र रे जेतेबले समुद्र भितर सब रत्न माने बाहरिवार थिले भगवान विष्णु अजित नाम धारण करी सी कौन कले अवतार नेले अजित नाम ग्रहण कले अजित माने जहाँ को कही जीति पारती ना जी सबुले दिग्विजयी तेणु भगवान तो काल संपूर्ण सबु कालर भी काल महाकाल से सबुले दिग्विजयी तेणु एपरी भाव शक्तिशाली जो भगवान अजित नाम धारण करी जेतेबले समुद्र मंथन प्रस्ताव देले आउ देवता मानंकु देवता माने असुर असुर राज बळी तांको पाखरे जाई पहुंचिले एवं सेठी से समुद्र मंथन प्रस्तावटी देले तेणु आमे एठी जदि देखिबा भगवान कौन कहउचंती ना शत्रु सहित भी टिके सांग होई जाओ जे पर्यंत निजर सुविधा न बाहरी शत्रु सहित सांग होई जाओ तांको पुणी आमे परे देखि दबा पुणी तांको सहित परे शत्रुता करिबा कि आश्चर्य कथा एठी जदि गोटे कथा देखिबा ये जगत पिता भगवान पुणी कौन एमती कथा कहउचंती ना ना तांकर कहिबार उद्देश्य जे सत लोक ता सहित सब बेले सत व्यवहार कर एवं असत लोक सहित स्थान काल पात्र नहीं कि ताकु दंडित करने उद्देश्य ही व्यवहार कर एवं स्थान काल पात्र अनुसार ही ताकु देखी रही कि चल से कथा कह चाहती तेणु एपरी भाव रे सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान तरावरो तेणु माँ सीता माँ गौरी जेतेबेले सीता महाराणी तांकु पूजा करुचंदी ए कथा कहउचंदी जे भगवान रामचंद्र भगवान होउचंदी सबुबेले सहज आउ सुंदर तेणु एपरी भाव रे आउ भगवान जेतेबेले प्रस्ताव देले देवता माने तो आसिले कोठिके आसिले ना क्षीर समुद्र तटकु बळि महाराज राजी होगले हाउ ठीक अछि अमृत बाहरिबो छुटिया कथा तेणु अमृत बाहरिबो माने आम समस्ते जिबा अमृत सबु भागवंटा हबो इड़े असुर मैंने देखु एक तो मिसिक कहले हाँ दीज मिसिकी कम करवा कि फल बाहर बेलू फल किए चाखिव ना देवता मैंने सीना परिश्रम करे सबुतक फल जमी अमृतटा बाहर आम तो धरिकी दौड़ा भगवान कहले तुम तो एक आनी आओ देवता मान तो बोका भाविच देवता मैंने मो शरणागत तुम्हें हूँ ताकू ठकिकी तुम पलैब तेणु भगवान क्या प्रति पातर अंतर करते ना भगवान कही विद्रोही नुहंती कि कही प्रिय नुहंती भगवान कही मित्र नुहंती कही शत्रु नुहंती जीए जिमिति भगवान सहित संपर्क स्थापन करे भगवान तद्वत आचरण करती भगवान गीतार कहले मोर कही शत्रु नुह कि कही मित्र नुह ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् जी मते जिमिति भाव देखे मु भी ताकु सही परिभाव रे ताकु स्मरण करे ता सहित व्यवहार करे तेणु से कथा आम पुणी शुणा आसंता अध्याय से पर्यंत जय जगन्नाथ।